मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति आद्य प्रसाद पांडे को बर्खास्त करने की मांग के साथ मणिपुर छात्र संघ की ओर से आहूत 48 घंटे के आम हड़ताल का पूरे प्रदेश पर भारी असर देखा जा रहा है। सत्रह जुलाई की मध्यरात्रि से 19 जुलाई की मध्यरात्रि तक आम हड़ताल बुलाई गई है। मणिपुर विश्वविद्यालय का कुलपति यानी प्रोफेसर अद्य प्रसाद पांडे को उसके वाइस चांसलर के पद से हटाने के मांग पर मणिपुर विश्वविद्यालय का स्टूडेंट संगठन यानी मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने कल रात से शुरू होकर 48 यानी 48 आवर्स का जनरल स्ट्राइक मणिपुर में चला दिया है। इस दौरान सभी दुकानें, शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय आदि बंद है। इम्फाल की मुख्य सड़क से वाहन भी नदारद है। छात्र संघ की मांग है कि कुलपति को बर्खास्त करने के बाद उनके खिलाफ उच्च स्तरीय कमेटी जांच शुरू करे। ये जो जनरल स्ट्राइक है, हमने ये हमारे जो वाइस चांसलर को रिमूव करने का एक डिमांड हमने मई के 30 तारीख से अभी तक कर रहा है, उसके एक पार्ट है ये, तो इसके एक पार्ट के तरह हमने ये जनरल स्ट्राइक कर रहा है अभी। मंगलवार से अगरतला में बहुप्रतीक्षित बाल फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस फिल्म महोत्सव का शीर्षक है चिल्ड्रंस फिल्म बोनांजा, जहां हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी भाषा की 10 फिल्में दिखाई जाएंगी। এটা একটা ভালো সাইট এবং এই রাজ্যে এই প্রথম সরকার উদ্যোগ হচ্ছে। আমি তথ্য দপ্তরকে বলেছি, ওনারাও বলেছেন যে এটা যেন ব্লক লেভেলে যায় এবং শিশুদের বিকাশ বহু আগে ছিল, তো চাইল্ড রাইটের জন্যই এই ধরনের ফিল্ম, এই ধরনের উদ্যোগ শুভ দিক। এবং আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দপ্তর উনি মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে এই ধরনের সহযোগিতা করি। Agartala, then gradually with the active support of the local government, we want to go ahead with the on a state level. You know, we want to recover the entire children, you know, not only restricted to the children of the Tripura, Agartala, we'll spread it to our other districts also. So, you know, all children are benefited from these kind of activities. सूचना तथा सांस्कृतिक विभाग ने रूपसी हॉल के नजरुल कला क्षेत्र ऑडिटोरियम में बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया है। इससे पहले भी अगरतला में 2 बार बाल फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ है, लेकिन यह पहली बार है जब राज्य सरकार भारत के चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की मदद से इस तरह के महोत्सव का आयोजन कर रही है। मिजोरम सरकार के अनुदान पर चलने वाले हायर सेकेंडरी स्कूलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से राज्य के 800 हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में है। इन स्कूलों ने 9 स्कूलों को विशेष दर्जा देने की मांग की है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों और संगठन के नेताओं के बीच अब तक कई स्तरों पर हुई बातचीत बेनतीजा रही है। छात्र नेताओं ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री लालधन हावला से मुलाकात की, पर कोई समाधान नहीं निकल पाया। संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि हमने अब तक उम्मीद नहीं छोड़ी है और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वे जल्द ही शिक्षा सचिव से मुलाकात करेंगे। सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नौकरी छोड़कर एक युवक देश भर की यात्रा पर निकल पड़ा है। आशीष शर्मा नामक दिल्ली का निवासी यह युवक पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर था। बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले आशीष की मुलाकात वर्ष 2015 में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक जख्मी बच्चे से हो गई थी जो भीख मांग रहा था।
लड़के को ऐसी हालत में सड़क पर भीख मांगते देख आशीष का दिल भर आया और इस घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने निर्णय लिया कि देश भर में भीख मांगने वाले बच्चों के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करेगा और कुछ शोध करने के बाद 22 अगस्त 2017 को उसने जम्मू से अपना सफर शुरू किया। नाम आशीष शर्मा, मैं दिल्ली से हूँ और पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर था और 22 अगस्त 2017 को मैंने चलना शुरू किया था। इससे पहले लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे कि मुझे स्टेप उठाना पड़ा। तो 3 साल पहले मुझे एक बच्चा मिला था जिसने अपना हाथ नोचा हुआ था नाखूनों से, और 9 साल का बच्चा ड्रग्स लेता है। तो ये देश की सच्चाई है कि आज़ादी के 71 साल के बाद भी हम अपने देश के बच्चे को खुश नहीं रख पा रहे हैं। तो उस बच्चे को मैंने स्कूल में एडमिशन कराया था, राइट नाउ वो 6th क्लास में है। उसके बाद मैंने ऐसे ही 8 बच्चों को और रिहेबिलिट किया जो दिल्ली के अलग अलग कोनों से, बट एक पॉइंट पे मुझे लगा कि शायद मैं मर जाऊंगा, बट ऐसे हर बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाऊंगा। और तमाम एनजीओस भी यही कर रही है, हम मुद्दे खत्म नहीं करना चाहते, हम मुद्दों का हिस्सा बनकर रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारी सोच को इस तरीके से कर दिया गया कि हम उस एक पर्टिकुलर इशू को खत्म नहीं करते। दिन भर में 30 से 40 किलोमीटर तय करते हुए उसने अपनी यात्रा में हजारों लोगों से मुलाकात की। अब तक वह 54 जिलों और 5 राज्यों को समेटे 6,254 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 178 किलोमीटर दूर उनाकोटी नाम के स्थान पर भारत का एक खूबसूरत तीर्थस्थल है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इस तीर्थस्थान में 8वीं और 9वीं सदी के दरमियान की मूर्तियां हैं। पत्थरों से बने हुए खूबसूरत दरवाजे इस तीर्थस्थल का मुख्य आकर्षण है। और काफी नाम सुना था तो त्रिपुरा विजिट करने का पहला चांस मिला तो मेरे दोस्त ने बोला कि उनाकोटी एक जगह है, वहां एक बार होके आओ आप, तो रियली अच्छा लगा आके। यह तीर्थस्थान पूरे भारतवर्ष में सबसे पुराना तीर्थस्थान है जिसका आज तक कोई भी ऐतिहासिक तथ्य मौजूद नहीं है। हर साल यहां तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। प्रशासन की ओर से हालांकि परिवहन समेत अन्य सुविधाओं के अभाव में इन पर्यटकों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ती है। आना, लेकिन पहले से भी ज्यादा डेवलप हुआ नहीं है। गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट को और भी करना चाहिए, लेकिन हम लोग ये अभी जो उन्नाकोटी अभी टीवी में दिखाता है तो बहुत खुश होते हैं कि हम लोग का त्रिपुरा के बारे में भी कुछ उन्नाकोटी दिखा रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। लेकिन और भी त्रिपुरा गवर्नमेंट यहाँ पर जो भी आते हैं, यहाँ तो कोई घूमने का जगह वगैरह है नहीं धर्मनगर में, तो जो भी कोई गेस्ट आते हैं हम लोग को तो हम लोग वही उन्नाकोटी एक है घूमने लेके आते हैं, लेकिन त्रिपुरा गवर्नमेंट को और कुछ डेवलप करना चाहिए।